हेलो गाइस, वेलकम बैक। हाँ, आज जो मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं, धाकड़। धाकड़ मूवी को इस मूवी को आप ऑनलाइन कहाँ से देख सकते हैं, ये मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। इसके लिए जुड़े रहे हमारे साथ आगे भी। धाकड़ मूवी बॉलीवुड की एक आगामी एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशक जगदीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को पहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है। इसका निर्देशक जगदीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को पहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक
को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बताप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल करण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बताप के रूप में शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल करण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह
से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाल तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है।
फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही,
युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी? इस फिल्म में इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक
को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में? इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में? इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक
पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधरत पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधरत पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप
कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही,
युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी? इस फिल्म में इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक
को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन से बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन से बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि
के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिब हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाल तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिब हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है।
फिल्म का फिश का लुक ट्रेजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को पहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फिश का लुक ट्रेजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को पहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही,
युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक
को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि
के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाल तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है।
फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास एक विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास एक विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही,
युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक
को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में? इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शैलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में? इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शैलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि
के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शंभू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाल तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शंभू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है।
फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही,
युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी? इस फिल्म में इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक
को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को पहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि
के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाल तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है।
फिल्म का फिश का लुक ट्रेजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रैग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को पहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी? इस फिल्म में इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल द टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फिश का लुक ट्रेजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को पहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी? इस फिल्म में इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही,
युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सर्जन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनावत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरी के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक
को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बताप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इर्द-गिर्द पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारिफ हारसी, तुम्मुल बताप के रूप में शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्र वीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत है वो इस प्रकार है, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि
के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर शमरू को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है। फिल्म का फर्स्ट लुक ट्रेलर रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्ण्या द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से, जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाल तस्करों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेन ड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है, एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकड़ स्टाइल टाइटल सॉन्ग। एक आगामी एक्शन फिल्म है, इसका निर्देशक जगनीश घई ने की है। फिल्म में कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है। फिल्म का निर्माण शलोई कमाई कर रहे हैं। धाकड़ 20 मई 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। इसकी जो कहानी है वह धाकड़ में फिल्म के नाम में ही अनुरूप कंगना एक धाकड़ किरदार में है।
फिल्म का फिश का लुक ट्रीजल रिलीज कर दिया गया था और इसमें कंगना बंदूक के साथ बेहद ही निडरता से खेलती हुई नजर आ रही है। यह टीजर देखकर यह कहा जा सकता है कि यह मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के जजमेंटल है जैसी फिल्मों में एक गजब की एक्टिंग के बाद भी फिर कंगना एक नए अवतार में सबको चौंकाने वाली है। इस फिल्म में की कहानी शुरुआत होती है ड्रग फाइट उर्फ एजेंट अग्नि ग्रीन के एक लंबे धमाकेदार एक्शन सीन से जहां वह अपनी जान पर खेलकर बाद तक्षरी बाल तक्षरियों के एक समूह से कुछ बच्चों को बचाती है। साथ ही अग्नि के हाथों लगती है एक पेनड्राइव जिसमें दी जानकारी उसे एशिया के सबसे बड़े बाल तस्कर समूह को भूमिका से जोड़ता है और जो एक रुद्रवीर अर्जुन रामपाल बच्चों को बहलाकर सरकार से खिलाफ नफरत भरकर रुद्रवीर और उसकी साथी रोहिणी दिव्या दत्ता के एक समग्र खड़ा करता है। कोयले के खदानों के हथियाने के अलावा वो दुनिया भर में बाल तस्करी का धंधा करते हैं और उसके समान एक खत्म करने का जिम्मा उठाती है अग्नि। लेकिन इस मिशन में कई बार सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है जो उसे विश्वास तक को हिला कर रख देता है। क्या रुद्र को खत्म करने के इरादे से अग्नि सफल होगी इस फिल्म में, इसी की कहानी इधर पूरी कहानी फिल्म में है। इसमें जो कास्ट है एजेंट अग्नि के रूप में कंगना रनौत, रुद्रवीर के रूप में अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता रोहिणी के रूप में, सश्वता चटर्जी हैंडलर के रूप में, फर्जन के रूप में शारी हारसी, तुम्मुल बटाप के रूप में, शमशेर के रूप में एक जॉर्जिया, सिद्धार्थ के शुक्ला देशद्रोही, युवा रुद्रवीर के रूप में माहिरा आहूजा। इसमें जो संगीत हैं वो इस प्रकार हैं, शिन ऑन अफेयर नॉमिनेशन सेजन बाबुल तरुण धाकर स्टाइल टाइटल सॉन्ग। और इस तरह के नए पुराने मूवी रिव्यू के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मूवी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।